हमारी जिंदगी में जब बुरे दिन आने शुरू होते हैं तब हम इनको दूर करने के लिए अनेक तरीके के उपाय करते हैं, पर अगर हम ये बुरे दिन हमारी जिंदगी में आने ही ना पाएं, इससे पहले ही हम कुछ ऐसे उपाय कर लें तो कितनी अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। हनुमान चालीसा का पाठ नियम से जरूर पढ़ना चाहिए। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। हनुमान जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती रहेगी और वह जानी अनजानी होनी अनहोनी से आपको बचाते रहेंगे। हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। हनुमान चालीसा संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। मंगलवार या शनिवार के दिन पानी वाला एक नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार लें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें और जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके ऊपर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से आपको मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोज रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर हो जाता है। गाय को रोज रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। एक तांबे के लोटे में आप जल लें, इसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। इस लोटे को अपने सराहने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले इस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा आप कुछ दिन तक करें, धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें सिक्का डालकर अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को यह दे दें। या फिर आप यह कटोरी और तेल किसी भी शनि मंदिर में जाकर रख दें। यह उपाय कम से कम आप 5 शनिवार करें। इससे आपकी शनि पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई भी बुरा काम कर रहे हैं तो आप उस काम को छोड़कर रोज राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इनमें से किसी एक मंत्र का ही जाप आप करें। यह जाप आप सुबह या शाम मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर करें। यह जाप कम से कम आपको 43 दिन तक लगातार सुबह और शाम नियम से करना है। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप को दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा आपको इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। राम का नाम तो आप दिन भर भी ले सकते हैं। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।